अभी अवतार 2 मूवी आ रही है, लेकिन बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको ये मूवी 2D में देखनी चाहिए, 3D में देखनी चाहिए, या 4DX में, या IMAX में देखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग को तो यही नहीं पता कि आखिर 2D, 3D, 4DX और IMAX होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन और सवाल जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना, मैंने कोशिश की है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं 2D की। तो 2D जो है नॉर्मली इंसान जो है हर दिन यूज करता रहता है, जैसे कि अपने टीवी में कोई मूवी देखना, कोई शो देखना, वो एक 2D कंटेंट है। यहाँ तक कि अपने मोबाइल में YouTube पे जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक 2D कंटेंट है। एक नॉर्मल इंसान जो है 2D का हर दिन यूज करता है, और यही होती है 2D मूवीज जब आप एक सिनेमा घर में नॉर्मली पर्दे पे देखते हो। लेकिन 3D जो है इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। 3D का पूरा नाम है 3 डायमेंशंस, और जब आप एक 3D मूवी देखते हो तो आपका जो है एक एक्सपीरियंस अलग मिलता है। 3D मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा उभरे हुए और फोकस दिखते हैं कंपेयर टू बाकी की 2D मूवीज, और जिसकी वजह से जो है 3D मूवीज में आपको कैरेक्टर कभी कभी ऐसा लगेगा कि अपने फ्रेम से थोड़ा आगे आ गया है, और जिससे आपको जो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये मजा लेने के लिए जो है आपको एक अलग से चश्मा पहनना पड़ता है, जिसका नाम है पोलराइड ग्लासेस। क्योंकि जब पर्दे पे एक 3D मूवी चल रही होती है तो आप अपनी नंगी आंखों से जो है उस फिल्म को नहीं देख सकते हो। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ब्लरी दिखेगी और कुछ कलरफुल लाइंस देखने को मिलेगी, क्योंकि 3D मूवीज जो होती है वो डबल लेंस कैमरा से शूट की जाती है, जिसकी वजह से उसमें 2 लेयर्स होते हैं मूवी के, और उसी की वजह से जो है वो आपको कलर के मेल मिलाप देखने को मिलेंगे अगर आपने नंगी आंख से देखने की कोशिश करोगे। लेकिन वहीं पर आप अपने पोलराइड ग्लासेस का इस्तेमाल करोगे तो उसकी वजह से आप फिल्म को जो है पूरा मजा ले पाओगे और आपको जो हर चीज क्लियर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि ये 3D जो है वर्ड सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में ये 2D से ही बेकार हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रुको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता देता हूँ, 3D को जो है मार्केट में हमेशा इस तरह से प्रमोट किया है कि जब भी आप एक 3D मूवी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस फिल्म का कैरेक्टर पर्दा पहाड़ के सामने आपके आ गया है और आपको एक अलग लेवल पे लेके चला जाएगा। लेकिन सच बताऊं ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि बहुत बार तो यही चीज जो है बहुत बेकार लगती है, क्योंकि 3D मूवी को देखने के लिए जो हम पोलराइड ग्लासेस का यूज करते हैं वो मूवी की क्वालिटी को बहुत डाउनग्रेड कर देते हैं। क्योंकि जब आप उस चश्मे को लगा के 3D फिल्म को देखोगे तो उसमें जो है आपको ब्राइटनेस बहुत लो कर दी जाती है। अगर मैं आपको सीधा सीधी बोलूं तो अगर उस मूवी की ब्राइटनेस 100% है तो जब आप इस ग्लास को लगा के मूवी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 80-70% की ब्राइटनेस भी मूवी को देख रहे हो, क्योंकि ये चश्मा जो है 30% ब्राइटनेस करीब घटा देता है मूवी की, जिसकी वजह से मूवी हमें फीकी फीकी से लगती है और बहुत बेकार लग जाती है। कभी कभी तो मन करता है कि ग्लासेस हटा के मूवी देखने लग जाए, लेकिन वैसा कर नहीं सकते क्योंकि वैसे हमें मूवी देखने को सही से समझ में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा जो है हर मूवी के साथ नहीं होता, क्योंकि मार्केट में जो है सिर्फ एक तरह की 3D मूवीज नहीं होती, बहुत तरह की है। लेकिन उनमें से मेन मेरे ख्याल से जो है सिर्फ 2 टाइप की मूवीज होती है। सबसे पहले वो जो पर्सनली 3D कैमरा से शूट की गई हो, जैसे कि अवतार। ये मूवी जो है 3D कैमरा शूट की गई थी, जिसकी वजह से जो है अगर आप इस मूवी को 3D में देखते हो तो फिर पोलराइड ग्लासेस भी लगा लो, आपको मजा आएगा मूवी देखने में। लेकिन वहीं पर दूसरी तरह की जो मूवीज होती हैं वो शूट की जाती है 2D में, लेकिन बाद में जो है पैसा बचाने के लिए स्टूडियो वाले उसे 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 3D में शूट करने के लिए ज्यादा खर्चे बैठ जाते हैं। और इस काम में जो है मार्वल बहुत आगे है। अगर आप सबको लग रहा है कि मार्वल जो 3D मूवी शूट करता है तो नहीं मेरी जान, आप लोग गलत हो। मार्वल शुरू से हमारा चूतिया काटते हुए आ रहा है और हम अपना कटवाते हुए आ रहे हैं। मार्वल भी जो है यही 2D to 3D वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करता है हर मूवी के लिए। अगर आप सबको लग रहा है कि एवेंजर एंडगेम मूवी जो है 3D में शूट की गई थी, तो ऐसा नहीं है। वो मूवी जो है 2D में शूट की गई थी, बस उसको जो है बाद में 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 3D से एक लेवल नेक्स्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जो है 4DX में देख सकते हो। अब आप सबको बता देता हूँ कि 4DX क्या है। तो ये 4 डायमेंशन एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि अगर फिल्म में अर्थक्वेक आ रहा है तो आपकी कुर्सी पे भी जो है आपको थोड़ा शेक फील होगा, और अगर कहीं पे पानी वाला सीन है या हवा वाला सीन है तो आपके चेहरे पे थोड़े पानी के जीटे और आपके सामने थोड़े हवा की लहरें आएंगी, जिसकी वजह से जो है मूवी देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन जितना सुनने में कूल लग रहा है उतना कूल नहीं है। ये इवन कई सिनेरियोस में वर्स्ट केस हो जाता है। रुको बताता हूँ कैसे। जो लोग 4DX से मूवी देख के निकलते हैं उनका ये कहना है कि शुरू के जो 20-30 मिनट होते हैं वो बहुत अच्छा जा रहा होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है तो पता नहीं उनके पीठ में दर्द, उनकी बॉडी थकान, वो टायर्ड फील करने लग जाते हैं, और इवन कई सारों को तो उल्टियां आ जाती हैं। इसीलिए अगर आपने कभी अपना मन बनाया 4DX में जाने का तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे वाली मूवी देखो, लेकिन अगर 3 घंटे वाली फिल्म है तो भाई मत जाओ, क्योंकि जहां अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जाओगे वहीं पर पता नहीं थके मरे हुए आओगे। खैर, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जो है अवतार मूवी का पूरा मजा लेना है तो नो डाउट IMAX की तरफ चले जाओ, IMAX में अवतार मूवी को देखो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि IMAX की जो क्वालिटी है, क्लैरिटी
ये साइज है वो एक नॉर्मल मूवी से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि IMAX मूवीज को जिस कैमरे से शूट किया जाता है IMAX कैमरे से, वो बाकी की 2D कैमरास और 3D कैमरास से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो लेंस होता है वो 15x70mm का होता है। बोले तो 70mm की जो है लेंस लगी रहती है, लेकिन 50% जो है वाइड एरिया कवर करता है, जिसकी वजह से पिक्चर बहुत बड़ी होती है नॉर्मल कैमरास से। आपने ज्यादातर सिनेमा हॉल्स की स्क्रीन देखे होंगे तो वो कॉर्नर को बिल्कुल टच नहीं करते, उनके बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से हमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। खैर ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जो फिल्में शूट की जाती है वो 35mm टू 70mm के कैमरे लेंस से शूट की जाती है, लेकिन IMAX मूवीज जो होती है उनकी जो स्क्रीन होती है वो सिनेमा हॉल के पूरे कॉर्नर तक टच करती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि IMAX का जो कैमरा लेंस होता है वो 15x70mm का होता है, बोले तो 15% मोर वाइड एरिया फ्रॉम अदर लेंसेज। IMAX की मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए जो दो दो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी की वजह से जो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है IMAX मूवी के लिए 3D ग्लासेस पहनना जरूरी हो, जब तक टाइटल में जो है 3D ऐड ना हो, जैसे कि अवतार 3D, तो इसके लिए जो आपको 3D ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मूवी के सामने जो 3D ऐड नहीं है लेकिन IMAX है, तो आप उस मूवी को बिना ग्लासेस के साथ भी देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और सच बताऊं IMAX में मूवी देखने का मजा ही अलग है। अब देखो यहाँ पर जो है दो कंक्लूजन निकल के आते हैं कि अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है तो भाई 2D में देख लो, 100-150 रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो मूवी को थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हो और 50-100 रुपए बढ़ा लो, तो 200-250 रुपए की टिकट लेके अवतार को 3D में देख लो, मूवी 3D में शूट की है तो मजा पूरा आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर गलत हुआ तो आगे गाली बक देना यार। और अगर आप सच में कुछ अमीर ज्यादा हो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, 700-800-1000 रुपए 1200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो भाई जाके IMAX में देखो, पूरा मजा आएगा। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मिलूंगा एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।